चार धामों में से एक भगवान बद्रीनाथ धाम का कपाट अब से कुछ ही मिनटों में खुल जाएगा। इस मौके पर अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे हैं, तो सेना के बैंड ने कपाट खुलने के मौके पर सलामी दी। वहीं बद्रीनाथ मंदिर के साथ ही धाम में स्थित प्राचीन मठ मंदिरों को भी फूलों से सजाया गया है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले बर्फबारी भी वहां पर शुरू हो गई है। आपको बता दें कि करीब 20 टन फूलों से बद्रीनाथ धाम को सजाया गया है और कई खास बातें हैं बद्रीनाथ के बारे में। कहा जाता है कि यहाँ पहले भगवान भोलेनाथ का निवास हुआ करता था, लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने इस स्थान को भगवान शिव से मांग लिया था, जिसके बाद ये भगवान विष्णु का धाम बन गया। बद्रीनाथ धाम दो पर्वतों के बीच है और इन्हें नर नारायण पर्वत कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी और नर अपने अगले जन्म में अर्जुन तो वहीं नारायण श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए थे। अब से कुछ ही मिनटों का इंतजार, 7:10 यानी कि अब सिर्फ 1 मिनट का वक्त है जब बद्रीनाथ धाम कपाट खुल जाएंगे। और सबसे खास दर्शन इस वक्त उस ज्योति का होता है जिसके लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। मान्यता है कि 6 महीने तक दरवाजे बंद करने के बाद अंदर इस दीपक को देवता फिर भी जलाए रखते हैं और आज इसी दीपक को देखने का सबसे ज़्यादा खास महत्व होता है। मान्यता है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं तो समय मंदिर में जलने वाले दीपक के दर्शन को अगर देखें तो हर संकट भगवान हर लेते हैं। वहीं आपको बता दें कि बद्रीनाथ के जो पुजारी हैं वो शंकराचार्य के ही वंशज माने जाते हैं और कहा जाता है कि जब तर लोग रावल पद पर रहते हैं इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और तमाम जो सात्विक जीवन है उसे जीना होता है। और अब देखिए बद्रीनाथ के कपाट अब सिर्फ कुछ ही सेकंड्स की देरी के साथ यहाँ पर खुलने वाले हैं। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और देखिए जयकारे लगने शुरू हो गए और यहाँ पर कपाट खुल गए हैं। ये सबसे खूबसूरत तस्वीरें आज इन मनमोहक तस्वीरों के साथ दिन की शुरुआत और बद्रीनाथ धाम से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ जयकारे के साथ भगवान बद्री विशाल कपाट खुल चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और कहा जाता है कि जब कपाट खुलते हैं तो एक दीपक जलता है। हालांकि इसके पीछे का रहस्य क्या है अभी तक कोई इसके बारे में पता नहीं लगा पाया है और ये दीपक बंद कपाट में भी लंबे समय तक कैसे जलता रहता है इसको लेकर भी तरह तरह की मान्यताएं हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम की पूजा को लेकर कहा जाता है यहाँ भगवान की पूजा में शंख नहीं बजाया जाता। शंख बजाने नहीं बजाने के पीछे भी कई धार्मिक मान्यताएं हैं और कहते हैं कि ये पहले भगवान शिव का स्थान हुआ करता था, लेकिन विष्णु भगवान ने एक बार लीला की और छोटे बालक के रूप में वो यहाँ आए और उन्हें ये स्थान इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि वो केदारनाथ धाम में जाकर बसें और अपने भक्तों को भगवान विष्णु यहीं से दर्शन देंगे। चार धामों में एक धाम बद्रीनाथ धाम और आज कपाट खुल गए हैं। इससे पहले 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट भी खुले थे और आज बद्री विशाल धाम के कपाट भी खुल चुके हैं। मान्यता है कि ये 8वां वैकुंठ है, यानी कि यहाँ आने भर से मोक्ष मिल जाता है, यहाँ दर्शन मात्र से मोक्ष मिल जाता है और इसी तरह की तमाम मान्यताएँ है। कहते हैं कि जो आए बद्री वो ना आए उतरी। देखिए ये खूबसूरत मनमोहक तस्वीरें सिंह द्वार, सबसे पहले जो बाहर आपने तस्वीरें देखी वो सिंह द्वार है, उसे करीब 20 टन फूलों से आज बद्रीनाथ धाम के इस स्थल को सजाया गया है। मनमोहक तस्वीरें और सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और भारी तादाद में श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन चार धाम यात्रा के लिए कराया था। हालांकि 30 अप्रैल तक अब मौसम को देखते हुए रजिस्ट्रेशन फिलहाल बंद रखा गया है और 3 तस्वीरें 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा शुरू हो गई, इसके बाद 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुले और आज अब 27 अप्रैल को बद्री विशाल धाम के यहाँ पर कपाट खुल गए हैं, जो धामों में 8वां वैकुंठ माना जाता है। इसे 8वें वैकुंठ के तौर पर देखा जाता है। श्रद्धालुओं का तांता यहाँ के
जो पुजारी होते हैं वो शंकराचार्य के वंशज ही होते हैं और शंकराचार्य ने यहाँ पर तपस्या भी की थी, ऐसी भी मान्यता है। हम आपको उस दीपक के भी दर्शन कराएंगे और भारी बर्फबारी इस वक्त आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं बद्रीनाथ धाम में शुरू हो गई है और इन बर्फबारी के बीच ये खूबसूरत मनमोहक तस्वीर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।